तो और गाइस कैसे हो आप सभी। तो गाइस फाइनली जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने दो दिन पहले बेडरॉक एडिशन के अंदर पहली बार आरटीएक्स ट्राई किया और भाई मैं शॉक रह गया था। और उसके अंदर भाई मैंने दो आरटीएक्स ट्राई किए थे, एक कैली आरटीएक्स एंड दूसरा रियल सोर्स आरटीएक्स। एंड मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया। तो कुछ लोग कैली आरटीएक्स बोल रहे थे और कुछ लोग रियल सोर्स बोल रहे थे। लेकिन उसके अंदर जो मैंने आपको रियल सोर्स आरटीएक्स दिखाया था वो भाई हाफ वर्जन था, फुल वर्जन नहीं था। एंड आप में से बहुत लोग हाफ वर्जन को ही देखकर भाई बिल्कुल फैन बन गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई फुल वर्जन का जुगाड़ करके मैं आपको फुल वर्जन पूरा दिखाता हूँ कैसा लगता है यार आरटीएक्स के साथ। और ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ये पॉसिबल हो पाया रियल सोर्स आरटीएक्स के जो हमारे डेवलपर है उनके वजह से। उन्होंने यार मुझे कॉन्टेक्ट करके मुझे ये दे दिया, तो यार उनको दिल से शुक्रिया यार ऐसा करने के लिए। तो अब हम उनके लिए कुछ करते हैं। तो उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वो एमसीपीई के लिए भी काफी अच्छे अच्छे टेक्सचर पैक बनाते हैं, तो भाई वो टेक्सचर पैक भी ट्राई करना। और आपके भी गाइस एक सरप्राइज है, चलो मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तो गाइस संडे को मैं एक टूर्नामेंट करवाने वाला हूँ, आप में से जो लोग चाहे ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पर आकर। और उस टूर्नामेंट के अंदर भाई कंपटीशन होगा, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा अच्छा बिल्ड करता है। और जिसका सबसे ज्यादा अच्छा बिल्ड होगा भाई वो विनर हो जाएगा। बट सिर्फ एक विनर नहीं होगा भाई, मैं 6 विनर चूज करने वाला हूँ। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या आप जीतने वाले हो। तो गाइस जो रियल सोर्स मैं अभी यूज कर रहा हूँ इसका अकाउंट आता है पेड अकाउंट। तो जो फर्स्ट विनर होगा उसको डायमंड अकाउंट मिलेगा। डायमंड अकाउंट के अंदर भाई आपको सब कुछ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप एमसीपी का जो सबसे हाई एंड टेक्सचर पैक आता है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो रियल सोर्स वाला। और भाई बेडरॉक एडिशन का भी सबसे हाई एंड वाला जो आरटीएक्स आता है जो कि अभी मैं यूज कर रहा हूं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और वो लाइफ टाइम के लिए होगा। और बाकी के जो 5 विनर होंगे उनको मिलेगा भाई एमसीपी के लिए एचडी अकाउंट। आपने कभी एमसीपी के अंदर रियल सोर्स का एचडी वर्जन यूज नहीं किया होगा, उससे लो एंड वर्जन यूज किया होगा क्योंकि एचडी वाला पेड आता है। तो एमसीपी वाले भी एचडी वर्जन के साथ एंजॉय कर पाएंगे। तो आप मेरे तरह नूब नहीं हो, खतरनाक बिल्डर हो, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ भाई, डिस्कॉर्ड का लिंक है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो और कॉन्टेक्ट करो। सो या, और अभी चलो गाइस आरटीएक्स के मजे लेते हैं मिलकर। ओके सो एक चीज तो मैं तुरंत नोटिस कर लिया भाई, जितनी भी भाई टेक्सचर जो दिख रहे हैं मुझे वो बहुत ज्यादा क्लीन दिख रहे हैं, मतलब हद से ज्यादा क्लीन है। हाफ वर्जन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था भाई। ये जो किताबें हैं काफी रियलिस्टिक लग रही है, मतलब देख सकते हो। ये जो चेयर है, ये चेयर नहीं सोफा था, जो भी है, अच्छा लग रहा है यार देखने में। और लाइटिंग कितने अच्छे से आ रही है यार, पहले लाइटिंग थोड़ी डाउन थी, अभी भाई लाइटिंग थोड़ी बेटर हो गई है, मैं ये चीज नोटिस कर लिया। और ये रेफ्रिजरेटर है भाई, ये तो सही लग रहा है बिल्कुल देखने में, बट यार ये वर्क नहीं करता होगा बस ऐसी है दिखाने को। और ये चेयर है भाई साहब, गेमिंग चेयर, ओ यही चेयर दो यार मुझे चाहिए। चलो असली में नहीं सही, गेम के अंदर ही तो मिल गया कम से कम। भाई बैठ कर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि भाई अभी माइनक्राफ्ट के अंदर स्पीड रनिंग कर दूंगा। खैर अभी नहीं करते हैं भाई, अभी तो भाई फुल भाई आरटीएक्स के मजे लेते हैं। तो ये कुछ हमारा लैपटॉप वगैरह है, चलो कोई नहीं, अभी इधर से हम चलते हैं, नीचे चलते हैं क्या? हाँ चलो नीचे चलते हैं। तो भाई नीचे में भी थोड़ी बहुत लाइटिंग लगा रखी है, और ये हमारा फ्रेम है लाइट वाला। तो भाई देखो कैसा लग रहा है हमारा ये शॉट्स, भाई अच्छा लग रहा है भाई, सही है बिल्कुल डायमंड का आई थिंक। और इधर है अनचांटेड और एक टीवी, और भाई अनचांटेड देखो कैसा लग रहा है भाई, यहाँ पे एक लाइट लगाता हूँ फिर पता चलेगा। ओहो भाई साहब बहुत सही लग रहा है, लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है भाई, इसका डायमंड वाला एरिया देखो। और ये टीवी चलता तो नहीं होगा, बस दिखावे के लिए। और ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना गाइस, जितनी भी अप्लायंसेस है, चेयर वगैरह है, ये भाई इस हमारे आरटीएक्स के साथ ही आता है, ये कोई अलग से नहीं है, तो ये चीज आप नोटिस कर लेना। और अभी भाई इधर कहाँ है भाई, इधर नीचे जा सकता हूँ क्या? नहीं इधर कहीं जगह नहीं है। तो जो कुछ था भाई नीचे में इतना ही था, चलो ऊपर, ऊपर में भी मैंने देख रखा है, सबसे ऊपर चलते हैं भाई, सबसे ऊपर कहीं जाने का तो जगह होगा, मैंने देखा था। हाँ इधर से भाई, इधर से सबसे ऊपर चलो और देखते ऊपर क्या होगा। ऊपर तो भाई कुछ लगा हुआ था अजीब सा कैमरा टाइप का, और यहाँ पे एक टीवी है शायद, ये भी वर्क नहीं करता होगा। और ये रियल सोर्स का भाई देख सकते हो, लालटेन है भाई, देख सकते हो यार कैसा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे एक स्वॉर्ड्स है भाई, ये तो हमने देख रखा है। और रियल सोर्स का सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताऊं भाई, इसका ग्लोइंग और आप देखना काफी कमाल के लगता है, कैली आरटीएक्स से भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे भाई एक गेमिंग चेयर रखा है, और ये क्या है भाई, सैटेलाइट है क्या? भाई सैटेलाइट थोड़ी होगा, टेलीस्कोप है भाई, यहाँ से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते भाई, गन टाइप का बिल्कुल देखने में। ओके और ये क्या चीज है भाई, इधर बुक सेल्फ है, और ऊपर क्या है? ऊपर भाई ये कुछ डिटेक्टर लगा रखा है, ये भाई सेफ्टी के लिए, कोई इधर आएगा तो भाई ये उड़ा देगा बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ आर्मर्स है गाइस, देख सकते हो आर्मर्स कुछ भाई ऐसे लग रहे हैं देखने में, भाई आर्मर्स भी काफी अच्छे हैं। और ये क्या चीज है भाई, ये तो आर्मर बड़ा खतरनाक सा लग रहा है बिल्कुल, ऐसा भाई मेटल टाइप का बना रखा है, काफी सही लग रहा है देखने में, लुक्स काफी तगड़े आ रहे हैं। तो ये था भाई ऊपर का एरिया, अभी भाई चलते बिल्कुल नीचे, मैं वो कुछ दिखाता हूँ खतरनाक सा चीज। तो भाई ये मैं निकल गया बाहर की साइड, इधर तो हमने सब कुछ देख रखा है, इधर तो कुछ है नहीं, बाहर निकल गया। और भाई अभी देख सकते हो दोपहर हो रहा है, दोपहर का धूप देखो भाई, हमने सुबह का धूप देखा था, दोपहर का बिल्कुल चेंज हो रखा है। और यहाँ पे कुछ रॉकेट्स है जो कि काफी अजीब से हैं, कुछ याद है आपको भाई, माइनक्राफ्ट जो भी ज्वाइन करता है ये जरूर बिल्ड करता है भाई शुरू में, नया नया प्लेयर, मैंने भी बिल्ड किया था, और इधर भी ऑलरेडी इस वर्ल्ड के अंदर। तो भाई इधर से भाई अभी उड़ के बाहर निकलते हैं, मैं तो भूल गया था मैं क्रिएटिव में हूं, मैं तो उड़ भी सकता हूं। तो भाई ये देख सकते हो, ये कुछ बड़ा सा एक्वेरियम है, ये ग्लास फ्लोर के अंदर चलते हैं भाई, अंदर से देखते हैं वाटर कैसा लग रहा है, बिकॉज वाटर और ज्यादा क्लीन लगेगा यार, चलो देखते हैं। हाँ भाई वाटर तो क्लीन है, थोड़ा कैली
एक्स की तरह लग रहा है भाई। वाटर तो बहुत बेटर यार फुल वर्जन का, मतलब मजा आ गया देखकर। ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल रियल वाटर है, क्योंकि रियल वाटर में हल्का हल्का फॉग भी रहता है भाई, इधर भी हल्का फॉग है। और नीचे से जो लाइटिंग आ रही है देख सकते हो भाई, ये काफी रियलिज्म वाला फील दे रहा है भाई हमारे कैरेक्टर के ऊपर जब लाइट पड़ रही है तो। और ऊपर देखो, अभी मैं ग्लास तोड़कर निकलता हूँ भाई फटाफट से बाहर, फिर बाहर मैं आपको दिखाता हूँ भाई तगड़ी तगड़ी चीजें। यार मैं फंस गया, चलो मैं निकल गया भाई, अभी ग्लास बंद बंद नहीं करेंगे भाई, रहने दो जैसे है वैसे। और यहाँ पे एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, चलो अंदर चल के देखते हैं भाई कैसा लग रहा है। ऐसे तो मैंने अंदर से लाइटिंग वगैरह सब कुछ देख रखा है, बट ये नॉर्मल पानी कुछ भाई आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ऑफ कोर्स भाई ये बेटर है फुल वर्जन का वाटर। और ये ग्लास है ऐसे, ये गोल्ड लग रहा है देखने में, बट छोड़ो कोई नहीं, मुझे ये गोल्ड लग रहा है ऐसे प्रॉपर देखने में, बट ये ग्लास है। मैंने अभी गोल्ड नहीं देखा है, गोल्ड भी देखेंगे गाइस, सब मिलकर साथ में ही देखेंगे यार। मैंने कुछ अभी खास देख नहीं रखा है, जो भी देखा है भाई आपके साथ ही देखा है। तो भाई ये कुछ लीवर है, क्या होगा इससे भाई? कुछ नहीं हुआ यार, ये ऊपर उड़ गया भाई, ये कुछ अलग टाइप का ट्रैप होगा शायद। भाई मेरे काम का कुछ नहीं है ऐसे, मैं भाई ग्राफिक्स देखने आया हूँ। और यहाँ के कलर्स देखो यार, इस रूम के कलर्स कितने अच्छे आ रहे हैं, लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है भाई। ओहो भाई इधर क्या है, तो ग्लास है। और ये देख लो भाई क्राफ्टिंग टेबल कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, कुछ ब्लॉक्स है कुछ ऐसे ऐसे देखने को मिल रहे हैं। गाइस मजा आ गया यार, बिल्कुल कमाल का लग रहा है देखने में। अभी चलते ऊपर, नहीं ऊपर नहीं राइट में भी रूम है, छोड़ राइट में नहीं जाते, ऊपर चलते यार ऊपर में देखते हैं। ओहो हो भाई लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है यार, ग्लास से होकर बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है लाइटिंग, देख रहे हो एक बार, लग रहा है कि भाई रियल लाइफ चल रहा है बिल्कुल। और ये देख लो रियल सोर्स का आर्टिक्स पैक का लोगो है भाई, जाओ यार भाई के चैनल को चेकआउट करना बट इस वीडियो के बाद। और अभी चलो यार राइट वाले रूम में देखते हैं क्या है। तो भाई इधर तो कुछ है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल से रखा गया है भाई, बस लाइट का खेल दिखाया जा रहा है। और ये पता नहीं कौन सा ब्लॉक है भाई, बहुत चमक रहा है। अभी चलो यार नीचे के साइड अभी मैं आपको दिखाता हूँ चले कुछ और। भाई इधर का सारा चीज हमने देख लिया, ये पांडा क्या कर रहा है भाई, तेरा कोई काम नहीं, निकल ले इधर से। तो अभी आपको मैं कुछ ब्लॉक्स दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने खुद भी नहीं देखा है, रैंडमली देखते भाई कैसे कैसे लग रहे हैं। जैसे कि ये गोल्ड ब्लॉक कैसा लग रहा है यार, गोल्ड ब्लॉक ठीक ठाक लग रहा है, उतना भी ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं लगा मुझे, बट यार काफी अच्छे रिफ्लेक्शन आ रहे हैं। ओ भाई गोल्ड ब्लॉक के तो और काफी अच्छे लग रहे हैं भाई, बीच में देखो क्या डिजाइन बना हुआ है। और ये रात में ग्लो करता है तो रात में भी देखेंगे सभी कुछ। और ये हमारा आयरन ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक कुछ भाई ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है क्या भाई? आयरन ब्लॉक कुछ ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो बीच का डिजाइन, ये एक्चुअल में लग रहा है कि भाई जब इसको मैं पकड़ूंगा तो ये भारी लगेगा, ऐसा नॉर्मल सा ये प्लास्टिक का नहीं लग रहा है, तो आयरन ब्लॉक बहुत अच्छा है। अभी आयरन के ओर भी देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो भाई ये है आयरन का ओर, और भाई बीच में देख लो भाई हमारा आयरन फंसा हुआ है, देखो कैसा लग रहा है भाई थोड़ा थोड़ा। और ये रात को ग्लो भी करता है भाई, देखेंगे कैसा लगता है, मैंने खुद नहीं देखा है भाई, वीडियोस में देखा था बट ये अच्छा लगता है, देखेंगे कैसा लगेगा बिल्कुल। और यहाँ पे एमरल्ड लगाया मैंने, एमरल्ड भी भाई अच्छा लग रहा है देखने में, एमरल्ड भाई काफी सही लग रहा है, मतलब इसके रिफ्लेक्शन काफी तगड़े आ रहे हैं, ये तो हमारा गोल्ड से ज्यादा बेटर है। अभी इसके भाई थोड़े और देख लेते हैं कहाँ गया भाई हमारा एमरल्ड का ओर। तो भाई ये है एमरल्ड का ओर, और भाई देख सकते हो बीच में भाई लग रहा है कि एक्चुअल में एमरल्ड है, एमरल्ड जैसा भाई कुछ लग रहा है, शीशे का कुछ फंसा हुआ, तो भाई काफी अच्छा लग रहा है जैसे कि देख सकते हो। और अभी हल्का हल्का ये ग्लो भी कर रहा है। और ये हमारा डायमंड है, डायमंड से मुझे ज्यादा उम्मीद थी बट ये डायमंड उतना भी ज्यादा कमाल का नहीं लग रहा है, शायद इसका भाई ओवर ब्लॉक ज्यादा कमाल का लगेगा, देखते भाई इसका ओवर ब्लॉक कैसा लगता है। तो भाई ओवर तो काफी अच्छा लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हो भाई, ओवर भी अभी सुबह के टाइम में इतना ज्यादा भाई ग्लो कर रहा है, रात को कैसा करेगा देखते हैं। और भाई ये ब्लॉक देख लो भाई, इसके साउंड काफी तगड़े आते हैं भाई, इसके लुक्स देख लो कितने अच्छे आ रहे हैं, मतलब ये ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है। ऑब्सीडियन भाई इसके तरह लग रहा है देखने में, या ऑब्सीडियन भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, ऑब्सीडियन भी काफी सही लग रहा है देखने में। अभी देखो रेडस्टोन और देखो यार गाइस, रेडस्टोन और कितना अच्छा लग रहा है यार, इसका जो रेडस्टोन बीच में है भाई देखो ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल के आ रहा है, उसके रिफ्लेक्शन कितने असली लग रहे हैं देखने में। अभी देखो लैपिस लाजुली का और ब्लॉक कैसा लग रहा है भाई, ये भी तो यार सही लग रहा है, बीच में लग रहा है कुछ ब्लू सा ग्लास फंसा हुआ है भाई, इसके ऊपर भाई 3D थोड़ी सी बनाई हुई है डिजाइन। और ये हमारा भाई गोल्ड हो गया, गोल्ड का और ब्लॉक, ये भी भाई सही लग रहा है। और अभी देखो रात हो गया भाई, मैं इसी की बात कर रहा था भाई, रात में देखो कितना ज्यादा सही भाई ग्लो कर रहा है, देख सकते हो कितना कमाल का लग रहा है। कैलियार्टिक्स तो फेल है भाई इसके सामने, इसका भाई जो ओवर ब्लॉक है उसके ऊपर डिजाइन भी है और ग्लो भी करता है। आई नो कैलियार्टिक्स भी ग्लो करता है बट इसके ऊपर डिजाइन भी बना हुआ है, सो दैट इज भाई ये ज्यादा मुझे बेटर लगा। और ये थोड़ा ज्यादा भी ग्लो कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ा ज्यादा ग्लो कर रहा है। अभी वीडियो पॉज करो, जल्दी से नीचे जाके कॉमेंट करो कैलियार्टिक्स ग्लोइंग और ज्यादा आपको बेटर लगा या फिर आपको ज्यादा अच्छा लगा भाई रियल रिसोर्स आर्टिक्स ग्लोइंग और, जल्दी से नीचे कॉमेंट करके बताओ। और अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ रियल रिसोर्स आर्टिक्स पैक का सबसे बेस्ट फीचर भाई, इसके अंदर आपको जितनी पीसी होता है या फिर कंप्यूटर होता है या फिर जितनी भी चीजें घर के अंदर होती है ना, सभी कुछ आपको इस आर्टिक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। और ये ऐसा वैसा नहीं है गाइस, ये वर्क भी करता है, जैसे कि भाई ये देख लो शॉवर भाई, यहाँ नहा सकते हो भले ये पानी नकली सा है भाई, देख रहे हो कैसा लग रहा है ये पानी, पानी फेक बना दिया गया भाई, ये ना हुई बात बिल्कुल, देख रहे हो कहीं पे इसको सजा दोगे तो कितना कमाल का लगेगा। और ये पानी देखो ऐसा लग रहा है भाई धीरे 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 स्लो मोशन में ये नीचे गिर रहा है, बढ़िया कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। और अभी मैं दिखाता हूँ कुछ और, जैसे कि भाई ये हो गया, भाई ये क्या चीज है यार, इसको मैं लेकर चल रहा हूँ तो गेम लैग कर रहा है, जैसे कि आप देखो इसको मैं जैसे लेकर चल रहा हूँ गेम लैग कर रहा है, और अभी मैं इसको हटा दूंगा तो भाई गेम नहीं लैग कर रहा है, तो ये कुछ अलग ही सीन है भाई, इसको हटाओ पहले। और ये देख सकते हो रेफ्रिजरेटर भाई, ये आपने घर के अंदर भी देखा था,
आई एम 100% श्योर ये वर्क नहीं करता है क्योंकि इसका कोई जरूरत ही नहीं है। क्या होगा भाई, क्या ठंडा करोगे? और ये देखो टॉयलेट भाई, इसका कोई काम नहीं है, ये वर्क करे या ना करे। और भाई ये सोफा है भाई, ये तो सही लग रहा है, ये काफी काम का चीज है। और क्या है मेरे पास, और क्या हो गया भाई, ये क्या चीज है? ओके, ये भाई टेबल टाइप का कुछ है भाई, ये बस स्टैंड है, यहाँ पे बैठ सकता हूँ क्या मैं? बैठ गया यार आराम से बिल्कुल। ये सही है यार, देखता हूँ कैसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है यार बिल्कुल। बैठ कर भाई पार्क वार्क बनाकर ऐसा साइड में रख दूंगा तो सही लगेगा बिल्कुल, आरटीएक्स के साथ। और ये टीवी की तरह क्या चीज है? अच्छा ये गेमिंग मॉनिटर है भाई, ये भी सही लग रहा है यार, इसके अंदर गेमिंग होता तो क्या ही हो जाता यार, मजा आ जाता बिल्कुल। और ये छोटा सा सोफा, इसके साइड में दो पिलो भी है, तो यार ये काफी क्यूट लग रहा है देखने में। और क्या है भाई, ये फिल्म बनाने वाला कैमरा है, ये एक्चुअल में कैमरा होता तो बहुत महंगा होता गाइस, मतलब 1 करोड़ का कैमरा होता है बस भाई गेम के अंदर। तो यार मेरे से भी ये बड़ा कैमरा है भाई, इसका यूज नहीं कर सकता मैं, चलो कोई नहीं, क्या यूज करता मैं गेम के अंदर। तो भाई कुछ ऐसा सीन है, काफी कुछ सही चीजें हैं। और ये नॉर्मल सा चेयर, तो ये बेसिक लेवल का ही चेयर है, ठीक लग रहा है यार देखने में। और ये क्या चीज है? ओ भाई ये तो मेरे गेमिंग सेटअप की तरह है, पहला मेरे गेमिंग सेटअप कुछ ऐसा ही था भाई, इस पे लाइट गेमिंग हो सकती थी, छोटी मोटी गेमिंग, तो ऐसा ही मेरा कुछ सेटअप था। तो इसके अप्लायंसेस वगैरह देख लिया, अभी चलो यार रात में चलते हैं, रात की लाइटिंग देखते कैसी लग रही है। तो रात की लाइटिंग, पहले तो इस कुत्ते को उठा दूं भाई, ये कब से यहीं पे बैठा हुआ है। तो भाई पीसी के अंदर भाई देख सकते हो अरोरा लाइटिंग आपको देखने को मिल रही है, और इधर भाई थोड़ी लाइटिंग देखने को मिल रही है, ये कुछ व्हाइट सी लाइटिंग इधर आ रही है, क्या चीज की लाइटिंग है यार, ये तो काफी जरा वाईफाई टाइप की लाइटिंग आ रही है भाई, ये बोलते हैं रे ट्रेसिंग भाई, आरटीएक्स का कमाल है। नॉर्मल जो सेलर बेस्ड लाइटिंग होती ना, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती यार, वो अजीब टाइप से फैल जाती। और ऊपर से देखो हमारा वर्ल्ड कुछ ऐसा लग रहा है भाई, क्या मतलब लग रहा है, जो लाइटिंग के अंदर फ्लेयर आपको देखने को मिल रहा है ना, हल्का हल्का डिस्टॉर्टेड फ्लेयर भाई, वो काफी रियलिस्टिक वाइब दे रहा है देखने में, बिल्कुल यार कमाल का लग रहा है। दिख रहे हो हमारा जो ये घर है छोटा सा, जिसके अंदर मैंने आपको क्या क्या नहीं दिखाया भाई, वो देखो कैसा लग रहा है बाहर से भाई, उसकी स्विमिंग पूल देखो कैसी लग रही है बिल्कुल देखने में। तो गाइस रियल रिसोर्स आरटीएक्स पैक का फुल वर्जन कुछ ऐसा था, आप बताओ आपको कैसा लगा, और नीचे कमेंट करके बताना। एक बार वापस से पूछ रहा हूँ, जो बेडरॉक एडिशन का सर्वाइवल सीरीज आने वाला आरटीएक्स के साथ, उसमें मैं कैली आरटीएक्स का यूज करूँ या फिर ये रियल रिसोर्स आरटीएक्स का यूज करूँ, वापस से पूछ रहा हूँ, नीचे कमेंट करके बता देना। जिस पे ज्यादा कमेंट आया भाई वही यूज करने वाला हूँ मैं सर्वाइवल सीरीज के अंदर। और इस वीडियो का लाइक है 3000 लाइक का भाई, 3000 लाइक्स कंप्लीट कर दो, प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही 3000 लाइक्स कंप्लीट होंगे वैसे ही एग्जैक्ट मैं भाई आरटीएक्स सर्वाइवल सीरीज अपलोड कर दूंगा। तो भाई जल्दी से 3000 लाइक्स कंप्लीट कर दो। और हाँ, अगर आप हो अच्छे बिल्डर तो जल्दी से डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, क्या पता उस टूर्नामेंट में आप जीत जाओ, उसकी भी वीडियो भाई इस चैनल पर आएगी, तो जाओ जाओ जल्दी ज्वाइन करो डिस्कॉर्ड। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं मिलता हूँ कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखो।